तो दोस्तों इंटरवल जैसे ही हुआ उसके बाद मेरा जो रिएक्शन था, पहला रिएक्शन ये था। तो दोस्तों इंटरवल हो चुका है और अभी तक तो मजा आया और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों जब फिल्म खत्म हो गई तब मेरा जो रिएक्शन था ये था। दोस्तों फर्स्ट डे फर्स्ट शो था तो इस वजह से हो हल्ला इतना ज्यादा था कि ना तो कुछ सुनना रहता ना कुछ ये था, लेकिन उसके बाद भी एक्शन वैक्शन ठीक थे, लेकिन चुम्मा चाट इतनी ज़्यादा थी कि फिर जहाँ जहाँ एक्शन खत्म हो रहे थे वहीं मज़ा नहीं आ रहा था। तो आप समझ जाओ कि मुझे फिल्म कैसी लगी। मेरे लिए तो ये एवरेज फिल्म है। उसका कारण है कि जो रश्मिका मंदाकाना है उसकी मुझे पूरी फिल्म में ऐसा लगा कि ज़रूरत ही नहीं थी, खास करके इंटरवल के बाद। उसने पूरी फिल्म को समझ लो कि जो स्पीड थी फिल्म की उसको सिर्फ ब्रेक करने के लिए ही इस्तेमाल किया। और एक हैरानी की बात ये कि रणवीर कपूर के पापा उसको टाइम नहीं देते, इस वजह से वो ऐसा बना। और जबकि खुद रणवीर कपूर अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा पापा के चक्कर में, तो ये मेरे को समझ में नहीं आया। बाकी फिल्म ओके ओके है, दोस्तों के साथ जाओगे मजा आएगा आपको। हो अल्लाह था जब मैं गया था, पहला ही शो देने देखा था। तो दोस्तों मैं तो इतने कहूँगा कि मेरे को तो ठीक ठाक लगी। इंटरवल तक तो सुपर हिट, मतलब कब इंटरवल आ गया पता ही नहीं चला, और इंटरवल के बाद मुझे ऐसा लगा कब खत्म होगी। फिर जहाँ से बॉबी देओल सर की एंट्री होती है वहाँ थोड़ा मज़ा आया, और बॉबी देओल सर के बाद फिर फिल्म स्लो हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरवल के बाद का सीन था वो इंटरवल से पहले होना चाहिए था, और जो इंटरवल से पहले था वो इंटरवल के बाद होना चाहिए था, तो हो सकता है मेरा ओपिनियन बहुत ज़्यादा चेंज होता। बाकी एक्शन की बात करें, वायलेंस की बात करें, तो मेरे को एकदम बच्चों जैसे वायलेंस लगा। जितना उसने टिपिकली वो कहा था कि अब मैं बताता हूँ कि वायलेंस क्या होता है, तो वैसा वायलेंस मुझे तो फील नहीं हुआ। मेन चीज़ है कि इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाया मैं वायलेंस में, मतलब कुछ दर्द महसूस नहीं हुआ कि इतने लोग मर रहे हैं और मुझे जरा सी भी पीड़ा हो। एकदम मशीनों की तरह फीलिंग थी, वीडियो गेम की तरह खट 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 सब कुछ। तो इमोशनली मैं रणधीर कपूर के अलावा किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, और एक्शन में तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाया। एक्शन की इंटेंसिटी बहुत हल्की रखी गई थी, मतलब ऊपर ऊपर से लग रहा था कि हाँ एक्शन हो रहा है, लेकिन एकदम डीपली नहीं था। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।